नमस्कार, तहलका डॉट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक गौतम। मुख्य खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोकशी को लेकर बुलंदशहर में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्त से दूर। निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह का तूफानी जनसंपर्क। भारत वाहिनी पार्टी से उम्मीदवार पवन गोयल की आज जनसंपर्क रैली। भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज गौतम गंभीर ने लिया संन्यास। 3 दिसंबर को हुई बुलंदशहर में हिंसा का मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अफसरों की बैठक बुलाई, जिनमें उन्हें जमकर फटकार लगाई। बुलंदशहर के सयाना में हुई गोकशी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, मगर मुख्य आरोपी बजरंग दल के जिला संयोजक अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। गोरखपुर दौरे को बीच में ही छोड़कर देर रात मंगलवार को पुलिस अधिकारियों की आपात बैठक और अफसरों को बुलंदशहर हिंसा को लेकर जमकर फटकार लगाई और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अफसरों की बैठक में कहा कि बुलंदशहर हिंसा एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने मृत सुमित कुमार के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। पूरा मामला 3 दिसंबर की सयाना चित्र का है, जिसमें गोकशी को लेकर भड़की हिंसा में एक पुलिस वाले सुबोध कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। विद्याधर नगर से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह शेखावत का तूफानी जनसंपर्क। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, विद्याधर नगर से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह का प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है। चांदबिहारी नगर में जनसंपर्क के दौरान समर्थकों का विशाल जनसमर्थन विक्रम सिंह के साथ नजर आया। जनसंपर्क के बाद विक्रम सिंह की एक आम सभा झोटवाड़ा के तारानगर क्षेत्र में हुई। रॉयल ग्रुप द्वारा उनको साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर विक्रम सिंह ने कहा कि आमजन का अपार प्यार और समर्थन पाकर मैं अभिभूत हो गया हूँ। आप सब लोगों के लिए मैं मरते जीवन तक संघर्ष करूंगा और विद्याधर नगर वासियों का यह एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। रैली नहीं, ये रेला है, भारत वाहिनी का मेला है। जी हाँ, ये सच है। भारत वाहिनी पार्टी से उम्मीदवार पवन गोयल की रैली को देखकर कहीं से ये नहीं लगता कि रैली नहीं, ये रेला है, भारत वाहिनी का मेला है। पवन गोयल की मुरलीपुरा में जेडीए सर्किल पर एक आम सभा हुई, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पवन गोयल को विजयी बनाकर विधानसभा में साफ और स्वच्छ समाज सेवी को भेजने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पवन गोयल ने समाज के गरीब और बेसहारा बच्चों की शादियों में आर्थिक मदद की, गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद कर समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया है। ऐसा समाज सेवी विधानसभा पहुँचेगा तो समाज का निश्चित तौर पर भला होगा। आज भारत वाहिनी पार्टी के उम्मीदवार पवन गोयल ने विद्याधर नगर से एक विशाल रैली निकाली। रैली में हर तबके का नागरिक मौजूद था। रैली में लोग ढोल ताशे बजाते हुए जा रहे थे। रैली में पवन गोयल का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। जहां से रैली निकली, लोगों ने पवन गोयल का जोरदार स्वागत किया। विद्याधर नगर से शुरू हुई रैली विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से गुजरी। रैली में हजारों लोग मौजूद थे। रैली करीब 3 किलोमीटर लंबी थी। भारतीय क्रिकेट टीम को कई महत्वपूर्ण मैचों में जीत दिलाने वाले गौतम गंभीर ने आज संन्यास का ऐलान कर दिया। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी गौतम गंभीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को सदा के लिए अलविदा कह दिया। गौतम गंभीर ने अपने करियर की शुरुआत 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच से शुरू की। गंभीर कई बार भारत के लिए हीरो साबित हुए। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के लिए कई यादगार पारियां खेली। टीम इंडिया के आक्रामक बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का वनडे और T20 वर्ल्ड कप जिताने में भी अहम रोल रहा है। 2007 में जब भारत T20 वर्ल्ड कप का विजेता बना, तब गंभीर की अर्धशतकीय पारी की अहम भूमिका रही थी। और वहीं 2011 वनडे विश्व कप में गंभीर फाइनल में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे। गंभीर ने टीम इंडिया के लिए 6 वनडे मैचों में कप्तानी की और सभी मैच में जीत हासिल की। गंभीर ने भारत के लिए 58 टेस्ट मैच और 147 वनडे मैच और 37 T20 मुकाबले खेले हैं। गंभीर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 10,000 से ज्यादा रन बनाए। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। देश और विदेश से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी tahlka.news के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे YouTube चैनल tahlka.news को। धन्यवाद।